जी मुझे पहली तो बड़ी खुशी है कि जी हमारी एक सिंध के करीब रेस हो रही है जो यहाँ से 1 घंटा दूर है और हमारे घर यहाँ से 1-1.5 घंटा दूर है। हम दिन के टाइम में आते हैं, अपनी रेकियाँ करके चले जाते हैं। ये जो ट्रैक अभी बनाया गया है, ये पहले शुरू किया था कोई 18-19 किलोमीटर, आज माशाल्लाह 50 किलोमीटर का ट्रैक बन गया है, जिससे मुझे बड़ी खुशी है। और ये मैं इस रेस को बहुत बड़ा होता हुआ देख रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत अच्छी है, समंदर के साथ है, गर्मियों में आप रेस कर सकते हैं, समंदर की हवा है, तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ये इसका बड़ा फ़ायदा पहुंचाती है। दूसरा, लोग हमेशा तरसते हैं कि जी हम इतने दूर आके रेसेस कहाँ देखें, इनका यहाँ 1 घंटे का डिस्टेंस है, वो आ जाए अपनी रेसें देखें, पिकनिक करें बीच पे फैमिलियों के साथ, यहाँ टेंट्स लगे हुए हैं, माशाल्लाह पूरा इलाका सजाया हुआ है, और ये शेरवानी साहब की मेहनत है, हम सारे जो लगे हुए हैं वो माशाल्लाह इसीलिए हो कि जी पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज प्रोजेक्ट हो जी पाकिस्तान में। जहाँ तक कंपटीशन का ताल्लुक है, ये चीज़ें चलती रहती हैं सर, कभी कोई ऊपर है कभी कोई नीचे है, हर वक्त सब ऊपर तो नहीं रह सकते ना, ये तो अल्लाह का निज़ाम है। तो इस दफ़ा मैं जिमनी भगा रहा हूँ, डी कैटेगरी में भगाने के हिसाब से भगा रहा हूँ, और मेरी बेटी भगा रही है प्रिपेयर्ड विमेन में, लेडीज़ में, तो ज़ाहिर है टेंशन तो है एक तरीके से। और मेरा दोस्त है खुर्शीद, वो भी भगा रहा है, तो मैंने कहा सब बूढ़े बूढ़े भगा रहे हैं, अभी मज़ा आएगा, तो हम तो वेटरन्स में आ गए अभी, बट अल्लाह का शुक्र है जी अभी तक अच्छा खासा काम चल रहा है ना। भाभी कोयटा गई हुई है, भाभी के वालिद साहब की बरसी है, उनकी डेथ हो गई थी कोई 20 दिन पहले, तो वो वहाँ गई हुई है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेस में होगी, इस रेस में नहीं है। हम उसकी गाड़ी चोरी करके लाए हैं, कि मैंने कहा दीना को कि भगाओ भी तुम कृष्णा की गाड़ी। सर मैं थोड़ा हिस्ट्री अगर आप देखें इस बारे में, जो पसमानदा इलाके होते हैं, आप चोले 15 गाड़ियां थी और 25 लोग देखने वाले थे, आज लोग 5 लाख लोग चोलिस्तान में आते हैं और 150 गाड़ियां हैं। आप इलाके का ये मैग्नीट्यूड देखें कि कितना बड़ा फैल गया है। अच्छा, पूरे साल चोलिस्तान में जो छोटे छोटे गांव होते हैं वो अपनी चीज़ें बनाते हैं, और ये साल में जो इवेंट होता है वो 10 दिन आके अपनी सारी चीज़ें बेचते हैं, उनका पूरा साल का गुजारा हो जाता है, तो वो इलाका सुकून से रहता है। फिर बेरोज़गारी में बड़ी तकलीफ़ होती है, लोगों के पास खाने पीने को नहीं होता तो बड़ी तकलीफ़ होती है, मगर ये चीज़ें लोगों को रोज़गार दे देता है। यहाँ भी यही हाल है, आप चौकी में आज आप रेस देख रहे हो, पिछले 3 साल से आप देखें कि 20 किलोमीटर का ट्रैक था, आज 50 किलोमीटर का ट्रैक हो गया, अगले साल 70-80 किलोमीटर का ट्रैक होगा, हजारों में लोग आएंगे, तो जाहिर है एक इलाका जाग जाता है, लोगों को अवेयरनेस आती है इलाके की, जी ये इलाका भी है, इतने खूबसूरत इलाके हैं पाकिस्तान में, ये एक और इलाका है जो हम देख गए हैं कितना खूबसूरत है। सर बिल्कुल, कराची के लोग भी आओ और आ रहे हैं, कल आप देखिएगा माशाल्लाह जो रेस डे है कितने लोग आ रहे हैं, सारी हमारी आर्म फोर्सेस आ रही हैं, जेंट्री आ रही है, डीजी साहब आ रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब आ रहे हैं, हमारे बिजनेसमैन कितने हैं वो आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, जो हमें एक खुशी होती है देख के कि जी पहले तो आप वो बात करते थे कि जी जंगल में शेर मोर नाचा किसने देखा, आज उस मोर को दिखाने वाले आप लोग हो, प्रेस वाले, जो हमारे ऊपर मेहरबानी करके आप लोग धक्के खाते हो गर्मियों में पसीनों में, कहाँ कहाँ आते हो, कैसे कैसे आते हो, हमें खुशी है कि आप लोग ने इस गेम को ऊपर चढ़ा के बढ़ा के टीवीओ में और पूरी दुनिया में प्रोजेक्ट किया है इस गेम को, बड़ी खुशी है जी, आप लोग का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ मैं जी।